और अगली बात कहता हूं, हरी के मोहब्बत शेख फरीदुद्दीन मसूद, जिनका लकब है हरी के मोहब्बत। क्या है हरी के मोहब्बत? वो लिखते हैं, बाबा साहब फरमाते हैं, वो हरी के मोहब्बत जिसे अल्लाह की मोहब्बत और इश्क ने जला दिया था, वो फरमाते हैं, फरमाया कभी तुम देखो ना, एक खाम लकड़ी हो, सादा लकड़ी हो और एक कोल कोयला हो, उन्हें दोनों को बंदा जमीन के नीचे दबा दे, साल के बाद निकाले तो जो खाम होगी उसको मट्टी खा जाएगी, उसको मट्टी खा जाएगी, और जिसे आग ने कोयला बना दिया होगा उसे मट्टी नहीं खाती। अब अगली बात आ रही है, और मैंने यहां से लेकर वहां तक देखने कितने लोग मेरे साथ इस मोहब्बत और इश्क की बात के साथ चल रहे हैं। आप फरमाते हैं जिसे दुनिया की आग जलाए उसे मट्टी नहीं खा सकती, जिसे मौला का इश्क जला दे। नाराय तकबीर, नाराय रिसालत, नाराय हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरी। हाथ उठा के हक फरीद, हक फरीद, या फरीद, या फरीद। आप ढीले बढ़ गए मेरे, चूंकि वक्त मेरा धीरे धीरे करीब हो गया, मैं कुछ और दो बातें मेरे दामन में काफी सारी है, आप मोहब्बत से बोलेंगे तो मैं बड़ी जल्दी से उनको पूरा कर दूंगा। आप फरमाते जहां अल्लाह का इश्क हो, मौला का इश्क हो, जिसे मौला का इश्क जला दे उसे मट्टी कैसे खा जाए। बुल्ले शाह ने अहमद नहीं आख्या वे बुल्ले असा ते मरना ना ही, वे बुल्ले असा मरना ना ही, गोर पया कोई और उसे ढूंढो, बुल्ला तो कहीं और परवाज कर गया है, बुल्ला तो कहीं और चला गया है। इश्क उन्हें मरने नहीं देता, इश्क उन्हें मरने कभी नहीं देता है। और ना यकीन आए तो बाबा जी के शेख से पूछ लो,